भाई साहब जिंदगी में पहले बार वोट डाल रहा हूँ और 58 साल की एज में मैंने आज से पहले कभी वोट ही नहीं डाला। कहा कि महिला डरती है, मैं महसूस कैसा कर रही हूँ ये तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा जी, खूब और खूब जितवा गया इसने। हाँ। भाई कर्मचारी के हाथ से रिबन कटवाया है, फीता कटवाया है, भिवानी के चारों तरफ एक एक घर एक एक सदस्य है, उन घरों का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। भाजपा वर्षीय जनता नहीं करना चाहिए, इसको व्यक्ति विशेष वर्षीय जनता कर देना चाहिए, भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विनोद शर्मा, फिलहाल एक और तस्वीर चुनाव के लिए आपके साथ ले आया हूँ। फिलहाल आज भवानी प्रताप या कहूँ की प्रीति तंवर के कार्यालय का चुनावी कार्यालय है, उसकी ओपनिंग हो रही है। यहाँ पर इस सेरेमनी पर स्पेशली लोग पहुंचे हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा है और हवन का धुआं है वो बाहर तक जा चुका है, जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी अच्छी तस्वीर मुझे यह लगी, आप देख भी रहे हैं लगातार साथ में, कि ओपनिंग करवाई है वो सफाई कर्मचारी के हाथ से रिबन कटवाया है, फीता कटवाया है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, इतना मान सम्मान एक चेयरमैन प्रत्याशी आपको दे रहा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी, खूब और खूब जितवा गया इसने। हाँ, आगे जीत जाएगा भवानी, भवानी जीतेगा, गड़े बोटा जीतेगा। अच्छा अच्छा, चलो आपके पास भी आऊँगा मैं, इनसे पूछ ले। भवानी जी, लोग बड़े बड़े गेस्ट को बुलाते हैं और दूसरे लोगों को बुलाते हैं, नेताओं को खुश करने के लिए बुलाते हैं, आपने इन लोगों से फीता क्यों कटवाया? सारे चाहे सफाई कर्मचारी बात कर लें, शकुंतला प्रधान, मेरा परिवार है, परिवार तो यहाँ हुआ ही, भिवानी सारा शहर हमारा परिवार है, नगर परिषद मेरा बहुत अच्छा परिवार है, नगर परिषद का प्रत्येक साथी कर्मचारी एक परिवार की तरह हमने काम किया है। भिवानी के चारों तरफ एक एक घर एक एक सदस्य है, उन घरों का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ, हम एक परिवार की तरह कुटुंब की तरह रहना चाहते हैं और आज इतनी जनता ने आशीर्वाद दिया है, सब जनता साथ है, इनका कोटि कोटि नमन है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रीति कैसा फील कर रही है, इतने सारे लोग खड़े हैं एक नाम के पीछे, प्रीति तंवर के पीछे? बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ अपने आप को, मैं कि पूरी जनता मुझे आशीर्वाद देने आई और मैं जनता के आशीर्वाद से आज खड़ी हुई हूँ। पहली बार इतना बड़ा तामझाम देख रही हैं, एक नॉर्मल ग्रहणी से निकल कर इतना बड़ा पद के लिए आप जाने के लिए तैयार हैं, तो इतना सिस्टम देख के यूँ नहीं होता कि क्या हो रहा है कैसे होगा? किसने कहा कि महिला डरती है, मैं महसूस कैसा कर रही हूँ ये तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि पूरी भिवानी की जनता मेरे साथ है, पूरी भिवानी की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। भिवानी का निर्दलीय जाना लगता नहीं गलत है, सही है, क्या मानती है? देखिए, जनता हमारे लिए जनार्दन है और हम जनता के आशीर्वाद से खड़े हुए हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। तो शकुंतला प्रधान, फीता काटा आपने भी, आप भी हिस्सेदार बन गए, एक तरफ तो बीजेपी कार्यकर्ता थी, आज भवानी निर्दलीय के साथ खड़ी हैं, प्रीति तंवर के साथ खड़ी हैं, बीजेपी छोड़ दी? नहीं, बीजेपी बिल्कुल कभी नहीं छोड़ेंगे, बीजेपी पदाधिकारी है, भवानी भी पदाधिकारी है। अच्छा। हाँ, चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और क्या हाँ, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के साथ, लड़के के साथ हैं, बीजेपी को छोड़ेंगे नहीं और भवानी की प्रीति को जिताएंगे जी। अच्छा, मोदी के साथ और क्या, बिल्कुल मोदी के साथ है, बट मोदी के सहयोग करेंगे और बीजेपी जब तक बीजेपी रहेगी बीजेपी का साथ देंगे। चक्कर क्या है भवानी प्रताप का, समझ नहीं आ रहा, बीजेपी के साथ है और निर्दलीय बीजेपी के खिलाफ उतार दिया। देखिए, यहाँ कोई भाजपा के खिलाफ नहीं है, ना भाजपा के विरोध में है, हम सब ने चुनकर भाजपा की सरकार बनाई थी और हम उसका एक सदस्य हैं, हिस्सा है, लेकिन जो भी घटनाक्रम पीछे हुआ टिकटों को लेकर के, उसमें हम सब भाजपा परिवार में पूरे शहर में एक रोष है और मैं मानता हूँ कि भाजपा वर्षीय जनता नहीं करना चाहिए, इसको व्यक्ति विशेष वर्षीय जनता कर देना चाहिए, भाजपा का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सभी हम एक परिवार की तरह हैं और परिवार को हक है, अधिकार है उनमें से एक अपना प्रतिनिधि चुनने का। बीजेपी के जो टिकटार्थी थे वो थोड़े बहुत नाराज दिखे जब टिकट आई बीजेपी की, कुछ लोगों ने निर्दलीय के लिए ताल ठोकने का प्रेशर बनाया, कुछ लोग नाराज होकर बहुत सारी बातें बोल गए, भवानी ने खाली पर्चा भरा है, दूसरे लोग अब कल जब बीजेपी का चुनावी कार्यालय ओपन हुआ उसमें दोबारा से पहुंच गए वापस, तो अब उन लोगों की नाराजगी कम हो रही है, वो वापस लौट रहे हैं, भवानी का क्या मन है? देखिए, क्या नाराजगी है, किसको कितनी है, वो तो शायद वही बताएंगे,
मत एक बात मानता हूँ, सारे जो सूची जारी हुई उम्मीदवारों की उसके बाद जो जनता के अंदर जो रोष था, जनता को एक आशा थी कि हम सही उम्मीदवार को चुने, भाजपा अपना प्रत्याशी अच्छी तरह उतारे, वो कुछ एक कारणों से, कुछ एक दो लोगों की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पाई, तो जनता ने रोष को अपने उम्मीदवारी के रूप में बदल दिया और हमें आशीर्वाद दे करके अपना प्रतिनिधि बनाने का जो निश्चय किया है, हम उनके इस निश्चय का और उनके इस आदेश का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सारे लोग खड़े हैं, ये बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं या भवानी के साथ खड़े हैं? भवानी के साथ कहीं इनको लगता है कि कुछ नाइंसाफी हुई है तब खड़े हैं, या सच में यूँ लगता है कि भवानी ही विकास कर सकता है, ये परिवार विकास? देखिए, ये आप इसको पार्टी भाजपा या कांग्रेस या फिर और कोई सी पार्टी के विषय मत लेके जी। देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ, माननीय मोदी जी और मनोहर जी ने खूब समान विकास कराए हैं और दो लोगों के दिलों में बसते हैं। हम भाजपा के विरोध में नहीं है बिल्कुल भी, ये भाईचारे का चुनाव है और इस चुनाव का निर्णय जनता को ही करने देना चाहिए। हमने शुरू से ये बात उठाई थी राजनीतिक जो हमारी बैठकें होती थी, पार्टी की बैठकें होती थी, उनमें भी कि भी ये भाईचारे के चुनाव है, इसमें आप टिकटें मत बांटें और भाईचारे के चुनाव को जनता को अपने हिसाब से अपना उम्मीदवार तय करने दीजिए, अपना प्रतिनिधि चुनने दीजिए, उनको जो ठीक लगेगा उसको चुनेंगे। पंचायत हुई, उसके बाद नॉमिनेशन के लिए एक हुजूम निकला, जिस तरीके से भीड़ निकली और आज भी स्पेशली बहुत सारे सैकड़ों लोग मौजूद हैं, इनको देखकर लगता है कि भवानी प्रताप और प्रीति तंवर के जो निशान आने वाला है उस पर मोहर लगाएगी ये जनता? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता हमेशा अपना जनादेश देती है, वही आदमी आगे चुन के जाता है। हम जनता का जो भी आदेश है उसका सर झुका करके उसका स्वागत करेंगे, जनता के आदेश से हम बने हुए हैं, जनता हमारा परिवार है, जनता हमारी भगवान है। आंटी, कुछ मन में चल रहा है आपके, क्या चल रहा है? भवानी जीतेगा? हाँ जी, पक्का जीतेगा। हम महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर भवानी भाई का साथ देंगे। जो पार्टी ने अनदेखी की है, या ये वोट कोई पार्टी का नहीं है, कोई और नहीं, ये भाईचारे का है, प्यार और प्रीत का वोट है ये सभी लोगों के, पूरे शहर में इसका भवानी का के भाई रोष है। जी आंटी, क्या कहोगे? ये भवानी की मम्मी है, भवानी ने फैसला लिया है, माँ क्या कहती है बेटे के इस फैसले पर? बोलो बोलो। कुछ तो मन में चल रहा होगा कि पार्टी के साथ इतने साल से जुड़ा, पार्टी के साथ क्या है? एक शब्द में क्या कहोगे, जीतेगा नहीं जीतेगा बेटा? क्या लग रहा है, जीतेगा नहीं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ भाई, बेटा जीते और जनता की सेवा करे, दिल जान से खूब सेवा करे। आप देख रहे हैं, अच्छा ये भीड़ इतनी सारी आ रही है, इसके बारे में क्या लग रहा है कि अब भीड़ साथ है तो बेटे ने फैसला सही लिया? आप साथ में ही आई हैं इनके, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे बेटन जीता दे 36 बिरादरी, और क्या कहेंगे? दुष्यंत राणा है, इनसे मैं बात कर लूँ। हाँ जी, क्या कहेंगे? फैसला ठीक है भवानी का? फैसला भवानी का हमेशा फैसला ठीक रहा है। हाँ, खूब अरे बिहानी ममन को यो बन सका है, यो बिहानी ने सुधार सका है, अग्रवाल सुधारा, दो चेयरमैन बने हैं ना सब, यो इस बार का कोई को नहीं, हम तो सब माँ इसी पैदा करे। अग्रवाल समाज से एक चेहरा मेरे साथ जुड़ चुका है और ये संगठन चलाती हैं, एक क्या कहेंगे आज भवानी के इस फैसले पर? 36 बिरादरी मोर लगा, 36 बिरादरी मिलके भवानी की टिकट पे मोर लगाएंगे हम। हाँ, क्योंकि भवानी जैसा आदमी भिवानी में नहीं है। क्या खासियत है? बहुत ज़्यादा खासियत है जो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, क्योंकि मतलब सबका कोई भी काम हो, किसी का भी तुरंत करना, और मतलब हम तो पड़ोस में रहते हैं लेकिन भिवानी जैसा आदमी भिवानी में ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? देख रहे थे सारा माहौल, पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं, गांव के लोग भी मौजूद हैं, देसी और सारे जितने लोग हैं वो सब भवानी के साथ खड़े दिख रहे हैं, क्या कहें? बिल्कुल, भवानी जो है ईमानदार और निष्ठावान है जी, तभी सब साथ हैं, और भवानी को कभी भी किसी काम के लिए हम लोग टोकते हैं ना, हमेशा साथ हो जाता, चाहे बच्चा जाए ना उसके साथ ही पीछे, तभी लोग इकट्ठा हुए हैं, कभी किसी को मना नहीं करते जी। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग भी खड़े हैं जी। हाँ जी, क्या कहेंगे आज इतनी सारी भीड़ है, भवानी का ये फैसला है, इस फैसले के साथ जाएगी भिवानी की जनता? बिल्कुल जाएगी, और भवानी की मिसिज चेयरमैन बनेगी। और तो जी, पुराने आदमी की बात करें वो पहचान लेते हैं माहौल क्या चल रहा है, राजनीति के कहीं ना कहीं विश्लेषक माने जाते हैं पुराने आदमी, क्या लगता है पुराने आदमियों को भवानी का ये फैसला ठीक? 36 बिरादरी का फैसला है ये, और ये कर्मठ लड़का है और इसकी जीत होगी। जय भवानी।
जय भवानी सबके मुंह से यह सवाल निकल रहा है। वैसे तो राजपूत समाज की बात करें तो युद्ध के टाइम भी ऐसे ही एक नारा दिया जाता था और दुश्मन पर चढ़ाई कर दी जाती थी, तो ये नारा कहीं ना कहीं अब भी थोड़ा सा मजबूत पड़ता दिखाई देगा और दूसरों पर हावी होगा। साथी है आयो नारा बिल्कुल वो होगा, मजबूत बनेगा बिल्कुल। हाँ मैं भाई साहब जिंदगी में पहले बार वोट डाल रहा हूँ और 58 साल की एज में, मैंने आज से पहले कभी वोट ही नहीं डाला क्योंकि मैं आर्मी पर्सन हूँ, मेरे को वोट डालने का मौका ही नहीं मिला। और मैं भिवानी में आकर के पहली बार देख रहा हूँ इतना जन सैलाब और बड़ी खुशी हुई है। पहला वोट है, पहली बार जिंदगी का पहला वोट है किसको? एक बार इसको भवानी भाई को डालेंगे, 36 बरादरी का साथ है भवानी भाई। क्या है वजह? क्या हमारे बीच में रहता है, काम करता है, मिलनसार है, और कोई नेता हमारे बीच में आया ही नहीं आज तक कभी, इसलिए सब साथ। एक टीम और खड़ी है, यहाँ भी लोग खड़े हैं, मैं इनसे जान लेता हूँ। जी फिलहाल क्या कहेंगे? पढ़े लिखे लोगों की बात कर लें और जो गांव के देसी लोगों की बात कर रहे हैं, हर कोई यहाँ पहुँचा, सबसे बात करूँगा, विचार अपने रखिए, यहाँ आए हैं तो क्या कहेंगे? सब लोग पहुँचे हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग दिख रहे हैं। भवानी का फैसला जायज है, सही है गलत? देखिए जिस प्रकार से भवानी ने पिछले 15 साल की जो मेहनत है ना, उसके हिसाब से वाजिब और जायज है। इसकी भिवानी की जनता के प्रति श्रद्धा है, अपार श्रद्धा है, सेवा की श्रद्धा है, सेवा भाव की श्रद्धा है, उस हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन है। फिलहाल यूँ कहते हैं कि इनका तो लुक ही अलग है। ताऊजी कहाँ, भिवानी से ही हैं या गांव से? भिवानी से। अच्छा क्या कहेंगे आज? बुजुर्ग लोगों को तो समझ आ जाता है कि राजनीति में चल क्या रहा है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, कौन काम करेगा, तो मोहर किस पे लगने वाली है? भवानी का फैसला कितना जायज? 100% जायज है, क्योंकि पार्टी ने विश्वासघात किया है और ऑन आ रहा है और काबिल है और ईमानदार है और बनने की जनता की है ये इच्छा थी कि भवानी प्रताप को टिकट मिलनी चाहिए और उसका हकदार भी था। फिलहाल आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, राणा दुष्यंत से मैं बात कर लेता हूँ। राणा जी, परिवार का छोटा सा बच्चा, आप हमेशा से कहते हैं कि भवानी को आपने देखा है बचपन से, आज इसने एक जिद पाल ली कि ये निर्दलीय के तौर पे अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़ा हो गया, कितना फैसला सही है कितना गलत? देखिए मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आपने आकर के इनकी बात सुनी और अपने विचार शहर में या प्रदेश में दिखाएंगे, उसके लिए आप लोगों पत्रकार बंधुओं को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बात भवानी की, बच्चा है हमारा ठीक है, लेकिन बच्चे में कई दफ़ा 90 साल से ऊपर के गुण भी आ जाते हैं। 90 साल का व्यक्ति, 95 साल का व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता, जो बच्चों में गुण आते हैं। तो ये बच्चा अपने आप खड़ा नहीं हुआ, इसके साथ जो घिनौनी हरकत बीजेपी ने की वो सबसे छुपी हुई नहीं है, आप लोगों को पता है सबको कि एन वक्त पर ऐसा काम करना। लेकिन फिर भी 36 बिरादरी ने आके उत्सव वेंकट हाल में इकट्ठा की पंचायत, उस पंचायत ने निर्णय किया है हम भवानी प्रताप को निर्दलीय लड़ाएं। एक बात बताएं, आप समाज से जुड़े हैं, राजपूत समाज के बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, मैंने देखे आपकी तस्वीर, उन नेताओं का, राजनाथ जी का और बड़े नेताओं का प्रेशर पड़ गया, कह दिया कि यार बीजेपी के साथ जाओ, कितने साल से जुड़े हो आप, तो फिर क्या करेंगे? नहीं ये गलत किया है बीजेपी ने, आज से नहीं, राजपूत समाज को जब से सरकार बनी है, हम सेकेंड बार मनोहर लाल जी की, जब से मनोहर लाल जी विरोध में, और ये अच्छी बात नहीं है, इसका परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा उनको, अब नहीं आगे भुगतना पड़ेगा उनको। कहीं ना कहीं देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का जो यहाँ पर दावा है कि फिलहाल जीतने वाले हैं भवानी, फतेह करने वाले हैं और जय भवानी का एक नारा दिया गया है, भिवानी के लोगों का विश्वास है, चाहे बुजुर्ग की बात कर लूँ, युवा की बात कर लूँ, महिला की बात कर लूँ, हर कोई यही कह रहा है कि भवानी का फैसला गलत नहीं है, भवानी जीतेगा। लेकिन भिवानी की जनता, जो हमारे व्यूअर हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या समझते हैं कि भवानी जीतेगा, कोई और जीतेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।